राजस्थान में नई सरकार बनने के साथ ही मौजूदा प्रशासनिक प्रबंधन में बड़े उलटफेर की शुरुआत हो चुकी है। नई भाजपा सरकार ने 4 वरिष्ठ IAS अधिकारियों को आगामी आदेशों तक APO कर दिया है। इसमें मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव और रिको अध्यक्ष कुलदीप राका, मुख्यमंत्री सचिव और DPR सचिव गौरव गोयल, मुख्यमंत्री सचिव आरती डोगरा और मुख्यमंत्री सचिव और CEO राजस्थान स्टेट सर्विस डिलीवरी वार रूम राजन विशाल को अग्रिम आदेशों तक के लिए APO कर दिया गया है। गौरतलब है कि ये चारों ही अधिकारी पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के काफी करीब माने जाते हैं और सरकार की नीति रीति से जुड़े तमाम फैसलों में इनका योगदान रहा है। यह भी ध्यान देने वाली बात है कि नई सरकार के गठन के साथ ही गुरुवार को टी रविकांत को नवनियुक्त CM भजनलाल शर्मा का प्रमुख सचिव नियुक्त किया गया था। अब संभावना जताई जा रही है कि अभी ब्यूरोक्रेसी के साथ ही प्रदेश की कानून व्यवस्था से जुड़े कई आला अधिकारियों को भी इधर उधर किया जाएगा। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक राजस्थान के DGP कानून व्यवस्था से लेकर पुलिस कमिश्नर जयपुर के साथ ही कई और महत्वपूर्ण पदों पर बैठे वरिष्ठ IPS अधिकारियों को हटाया जाएगा। जनता दरबार में फिलहाल के लिए इतना ही। जल्द मिलते और खबरों के साथ, अब तक के लिए देखते रहिए जनता दरबार न्यूज।